उसे मूसा रानी का छतरी बोलते हैं। बहुत ऐसी छतरी टाइप की बनी है, शायद इसका कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। ये इसका मैप है, यहाँ पे एक भैरव मंदिर है, सागर मूसा रानी छतरी को सागर भी बोलते हैं। और क्या है यहाँ पे, भैरव मंदिर है, प्रताप सिंह की छतरी भी है यहाँ पे, करणी माता का मंदिर है जिसे बोलते हैं काफ़ी फेमस, और यहाँ पे किला भी है, बाला बर बल किला, बला किला, किशन किशन कुंड भी है यहाँ पे। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। हम ये बंदे सब देख रहे हैं, बाकी कुछ खास नहीं है। बाकी यहाँ पहाड़ियाँ दिख रही हैं, पहाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। ये देख सकते हैं पहाड़ियाँ, किले का कुछ हिस्सा वो सामने दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं, पास से देखते हैं। फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है इस पत्थर को, बलुआ पत्थर से बनी हुई है जो लाल रंग का आप देख सकते हैं। बाकी बीच में संगमरमर की है, अभी लोगों के लिए ओपन नहीं किया गया है पब्लिक। बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से अगर ओपन होता तो अच्छा लगता। और एक जलाशय बना हुआ है, पानी यहाँ पर गिरता है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है, सारे दरवाजे बंद हैं। भक्तेश्वर महादेव का भी मंदिर है यहाँ पे, भी कौन नए नए नाम आ जाते हैं पता नहीं। और ये कुंड टाइप बना हुआ पानी इकट्ठा करने के लिए, पहले कच्चा था फिर इसको पक्का करा दिया गया, ये हम देख सकते हैं। और ये पैलेस है जो सामने आपको दिख रहा होगा, बट ये सारा ऑफिशियल काम के लिए अभी यूज़ होता है, तो बस कुछ खास नहीं है, ये है छोटा सा जगह। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है।